नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। मरीजों को अब भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 378 मौतें दर्ज की गई हैं। 24 घंटे के कुल केसेस 25,000 से ज्यादा हैं। 24 घंटे में कुल मौतें 300 से ज्यादा हैं। कुल केस 10 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कुल मौतें 14,000 से ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 99,000 से ये ज्यादा है। ये लगातार सातवां दिन है जब दिल्ली में 300 से अधिक मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थी, जो सबसे अधिक आंकड़ा था। वहीं दिल्ली हर रोज औसतन करीब 25,000 कोरोना के केस दर्ज कर रहा है। हालांकि बीते दिन सामने आए दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी भी दिखी। दरअसल 28 अप्रैल को जारी की गई बुलेटिन में मौत का कुल आंकड़ा 14,000 से ज्यादा दिखाया गया, जबकि 27 अप्रैल को जो बुलेटिन आई थी उसमें कुल मौतों का आंकड़ा 15,000 था। ऐसे में मौतों का आंकड़ा घटा दिया गया है। दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन का लगातार संकट जारी है। बीते दिन भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई, जहां दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से एक विशेष प्लान पेश किया। कई अस्पतालों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई न होने से कई मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसे में ऑक्सीजन संकट को लेकर भी दिल्ली पर नजर बनी रहेगी। दिल्ली में बेड्स को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी में अभी 1600 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स खाली पड़े हैं, जबकि सिर्फ 14 ही आईसीयू बेड्स खाली हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने परिजन से 42,000 रुपए वसूले। मजबूरी थी, आखिर परिजन कर भी क्या सकते थे। महज 25 किलोमीटर की दूरी के लिए इतनी बड़ी रकम तो दे दी, लेकिन बाद में इसकी जानकारी पुलिस को भी दी। एम्बुलेंस चालक की इस हरकत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने नंबर ट्रेस करते हुए चालक को दबोच लिया। जब चालक पकड़ में आया तो उसने अपनी गलती मान ली और पैसा काटते हुए बाकी की रकम लौटाने के लिए कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता असित कोरोना संक्रमित हो गए थे। उनके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी इस वायरस की चपेट में पहले ही आ चुके थे, जिसकी वजह से उनका छोटा भाई विष्णु ने देखभाल करने के लिए अपने घर नोएडा सेक्टर 50 ले आया था। सोमवार को असित की तबियत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में पहुंचाने की आवश्यकता हुई। इस दौरान विष्णु ने एक एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट एम्बुलेंस उसके घर पर आ गई। इस एम्बुलेंस में मरीज को लेकर वो ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचे। वहां बेड खाली नहीं था, लिहाजा विष्णु मरीज को लेकर प्रकाश अस्पताल तरफ जाने लगे। वहां पर भी बेड खाली नहीं मिलने की जानकारी हुई तो वो वापस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित यथार्थ अस्पताल पहुंचा। कुछ इस तरह अस्पतालों के चक्कर काटते काटते एम्बुलेंस को 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। आखिरकार अस्पताल पहुंचने के बाद एम्बुलेंस चालक ने विष्णु से 44,000 रुपए की मांग कर दी। विष्णु ने इतने ज्यादा पैसे पर एतराज जताया तो चालक मानने को तैयार नहीं हुआ, लिहाजा विष्णु ने 40,000 रुपए पेटीएम के जरिए और 2,000 रुपए चालक को कैश दिए। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद विष्णु इस बात की जानकारी नोएडा पुलिस को दी। नोएडा पुलिस ने एक गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हुए एम्बुलेंस का पता लगा लिया। पुलिस की सख्ती के बाद एम्बुलेंस चालक ने जायज पैसे काटकर बाकी के पैसे वापस देने का वादा किया है। एम्बुलेंस चालक ने पुलिस के सामने अपनी गलती भी मान ली है। लेकिन देखिए कि इस मुश्किल स्थिति में अगर इस तरह से लोग करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि इंसानियत कहां बची है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में कुल 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। इस चरण में कुल 2.98 करोड़ वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चरण में अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, फरुखाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, बहराइच, मऊ, मथुरा, शाहजहांपुर, हापुड़, संभल, सीतापुर, सोनभद्र में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 24 अप्रैल को 3 चरणों का मतदान हो चुका है। आज चौथा चरण है और 2 मई को नतीजे घोषित किए जाने हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।